देख से टिके प्रॉब्लम करने आगर आम टे देखीद लिनियर चार्ज डेंसिटी फर्स्ट लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन है गोटे लाइन में जब चार्ज यूनिफॉर्मली भाव में डिस्ट्रीब्यूट हम आम कौन कह लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस दैट इज कॉल्ड ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रे डिस्ट्रीब्यूशन हम एग्जांपल आम कौन हो स्ट्रेट लाइन गोटे यूज करवा जदि आम चार्ज गोटे सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हम मीन्स आम गोटे प्लेन सीट नवा है आम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हम मीन्स आम गोटे क्यूब ये यूज करपर क्यूब ब्रिक्स स्फीयर है आम यूज करपर ब्रिक्स सब आम नवा लिनियर चार्ज डेंसिटी रे देख तो फॉर्मूला होची लिनियर चार्ज डेंसिटी सिंबलाइज्ड एच लैम्ब्डा इक्वल टू दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लिनियर चार्ज डेंसिटी और ताको हमें कौन कही पारिबा लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा इक्वल टू क्यू बाय एल है कौन चार्ज पर यूनिट लेंथ चार्ज बाय लेंथ ताले तार एसआई यूनिट कौन है जीवो लिनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय कूलम लेंथ बाय मीटर ताले हमें कौन लिख पारे कूलम मीटर इनवर्स से बड़ा हमारे सरफेस चार्ज डेंसिटी अच्छा जदि आम स्मॉल लाइन एलिमेंट नवा स्मॉल मैंने से पूरा लाइन रे हमें स्मॉल लाइन एलिमेंट नवा ताको मैं रिप्रेजेंट करबा डीएल डीएल पर चार्ज हमें नवा केते डी क्यू स्मॉल चार्ज हला ताको हमें कौन रिप्रेजेंट करबा लैम्ब्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डीएल हियर डी क्यू इक्वाल टू लैम्ब्डा डीएल है देख ये भाला सरफेस चार्ज डेंसिटी आम कौन लिखा रिप्रेजेंटेड एच सिग्मा इक्वाल टू चार्ज पर सरफेस चार्ज पर एरिया है चार्ज पर यूनिट एरिया तो कौन लिखा क्यू बाई एरिया एरिया को आइदर ए और एस रिप्रेजेंट कर पार आम कौन लिखा चार्ज बाय एरिया तार एसआई यूनिट कौन हो चार्ज पाई कूलम एरिया पाई मीटर स्क्वायर और कूलम मीटर टू दि पावर माइनस टू देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड एज रो रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम है चार्ज बाय वॉल्यूम कौन लिख चार्ज बाय वॉल्यूम मीन्स तार एसआई यूनिट कौन हो कूलम बाय मीटर क्यूब और कूलम मीटर टू दि पावर माइनस थ्री हाँ ये जदि आम स्मॉल सरफेस गोटे छोट एरिया नवा है फॉर स्मॉल एरिया आम ये कौन लिखिपर सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एस और डी ए आम जहाँ सिंबल नहीं यूज करपर ताले डी क्यू के सिग्मा इंटू डी एस सिमिलरली ये कौन हम रो इक्वल टू फॉर स्मॉल वॉल्यूम पाई डी क्यू बाय डी भी हियर डी क्यू इक्वल टू रो डी भी जाणीगला ये हूँ आम लिनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वे आर रिलेटेड आम प्रॉब्लम करिए देखो व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड would be required to electrify a sphere of radius 25 cm so as to get a surface charge density of get a surface डेंसिटी ऑफ 3 बाय पाई कूलम
मीटर टू दि पावर माइनस टू से कौन कहला क्वेश्चन रे देखो आथरे पढ़ व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई ए स्फीयर ऑफ रेडियस इलेक्ट्रीफाई ए स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर स्वेज टू गेट ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 3 बाय पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर आमर रेडियस वैल्यू केते देला 25 सेंटीमीटर हेला सरफेस चार्ज डेंसिटी केते देला सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंपल लिखिले कौन सिग्मा 3 बाय पाई कूलम मीटर टू दि पावर माइनस टू आमको मागिचे कौन चार्ज मागिचे ठीक है पूरा फॉर्मूला पढ़ी कौन सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला कौन पढ़ी चार्ज पर यूनिट एरिया तले सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए ए एरिया ऑफ स्फीयर हेला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर स्फीयर रा सरफेस एरिया फॉर्मूला हमर कौन ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हेला ताको रिप्रेजेंट करो क्यू इक्वल टू केते हे जीव सिग्मा इनटू ए सिग्मा रा वैल्यू केते देजी 3 बाय पाई यूनिट अछि कूलम पर मीटर स्क्वायर इनटू ए ए टू बाहर करो ए इक्वल टू 4 पाई इनटू आर स्क्वायर आर रा वैल्यू केते अछि 25 सेंटीमीटर हम त कोन करबै एसआई यूनिट रे कन्वर्ट करो केते होबो 25 इनटू 10 टू द पावर -2 रो होल स्क्वायर केते होबो 4 पाई इनटू 25 6 टू 5 इनटू 10 टू द पावर -4 ताको रिप्रेजेंट करो ए केते हे जीवो 4 पाई इनटू 6 टू 5 इनटू 10 टू द पावर -4 पाई पाई कैंसिल्ड मल्टीप्लाई करो 12 इनटू 6 टू 5 इनटू 10 पावर -4 सेते कूलम त मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट करियो हला नेक्स्ट देखो से भाला क्वेश्चन अछि कोन फाइंड द लिनियर चार्ज डेंसिटी से हम कोन कहि मु आ क्वेश्चन डायरेक्ट लेखुनी देखो हम से कहि फाइंड द लिनियर चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन मार्क से हम को मागि छि कोन लिनियर चार्ज डेंसिटी मागि छि व्हेन ए चार्ज ऑफ 0.1 कूलम से कहि चार्ज वैल्यू केते दे देला q इक्वल टू 0.1 कूलम स्प्रेड्स ओवर ए लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर केते लेंथ रे से स्प्रेड कर छि आमर एल इक्वल टू वैल्यू जी 4 सेंटीमीटर हला लिनियर चार्ज डेंसिटी टिके अगर हम पढ़ के आसले लैम्डा सिंपलाइज्ड एज लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल एबे क्यू रो वैल्यू पुट करो एल रो वैल्यू पुट करो कोन 0.1 कूलम डिवाइडेड बाय एल लेंथ केते दे छे 4 सेंटीमीटर हम त सेंटीमीटर लिखि माने एसआई यूनिट ऑफ लेंथ केते हमर मीटर हेले 4 इंटू 10 टू दि पावर माइनस 2 मीटर तले एठे केते हबो 4 इंटू 10 टू दि पावर माइनस 2 मीटर सॉल्व करबो आंसर लिखबो दैट इज यूनिट केते हिजबो कूलम मीटर इनवर्स जानियाला तापर देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इफ टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन क्यू टू आर 3 मीटर अपार्ट 3 मीटर अपार्ट एंड दे आर कंबाइंड चार्ज इज कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रो कूलम हला म्यू आपको हमें कौन पढ़वा म्यू म्यू फॉर माइक्रो इफ वन रिपेल्स द अदर
with a force of zero point zero seven five newton what are the two charges what are the two charges कौन कहला क्वेश्चन देखो हाथ रे पढ़ो इफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 meters अपार्ट एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 microcoulomb इफ वन रिपेल्स द अदर जदि गोटे चार्ज आउटे चार्ज को रिपेल करुचे ता माने कौन जो फोर्स डेवलप हम इलेक्ट्रिक फोर्स दैट फोर्स विल बी योर रिपल्सिव फोर्स विथ ए फोर्स ऑफ फोर्स रो वैल्यू देला 0.075 newton व्हाट आर द टू चार्जेस हला से कोजी आम सपोज Q1 Q2 दुटा चार्ज नवा ताको भितर डिस्टेंस केते से जो कोई चीज दुटा चार्ज आर 3 meters अपार्ट माने जणे आ जणे छ 3 meters अपार्ट माने 3 meters डिस्टेंस रे अछि आर रो वैल्यू दे देला 3 meters हला दे आर कंबाइंड चार्ज देखो कंबाइंड चार्ज माने दुटा चार्ज को कंबाइन कर के मिसे के ता वैल्यू केते 20 microcoulomb इट इज अ इंडिविजुअल चार्ज वैल्यू देनी से मागी छि कोन व्हाट आर द टू चार्जेस दुटा इंडिविजुअल चार्ज रो मैग्नीट्यूड से मागी छि तले कोन करबा देखो आर रो वैल्यू देला केते 3 meters गिवन अछि कंबाइंड चार्ज मीन्स हमरो Q1 प्लस Q2 वैल्यू केते देला 20 microcoulomb हला देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन केते दे छि 0.075 newton व्हाट आर द टू चार्जेस देखो एबे हमें कोन करि परबा F इक्वल टू फार्मूला कोन जान छै फ्रॉम कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 / R स्क्वायर पुट करो 1/4πε0 Q1 Q2 / R स्क्वायर मेठो कोन करबी F रो वैल्यू पुट करो 0.075 इक्वल टू 1/4πε0 ए टोटल रो वैल्यू केते 9×10⁻⁹ इनटू Q1 Q2 Q1 Q2 रो इंडिविजुअल वैल्यू हम गिवन अछि कि नाही ताले मो सिंपल जेमते मल्टीप्लाइड हे गयो छि म ताको सेबला रिप्रेजेंट करली लेखली Q1 Q2 R स्क्वायर R रो वैल्यू अछि केते 3 मीटर ताले तार स्क्वायर केते हिजबो 9 ताले बे देखो 9 कैंसिल हला ताले केते हला Q1 Q2 इनटू 10⁻⁹ मिठ कोन बाहर कर परबी Q1 Q2 मो बाहर कर परबी कौन लिखी 0.075 डिवाइडेड बाय 10⁻⁹ देखो हम आपको कौन लिख पारि 0.075×10⁻⁹ स्क्वायर हो कहीं Q1 Q2 अच्छी है Q1 तार यूनिट कौन कुलम इंटू कुलम के कुलम स्क्वायर ये गला गोटे पार्ट Q1 Q2 रो वैल्यू बाहर मुझे लिख रही Q1 Q2 Q1 Q2 वैल्यू बाहर 0.075×10⁻⁹ है इनिशियली आमको कौन वैल्यू गिवन अच्छे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 microcoulomb मुझे बाहर कर देख ये कौ फर्मूला मैथमेटिक्स आइडेंटिटी गुटा पढ़ाई यहाँ पढ़ी कि नहीं ए प्लस बी रो होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी रो होल स्क्वायर प्लस 4ab यहाँ भी पढ़ी ए माइनस बी रो होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस 4ab देखो आम गोटे Q1 प्लस Q2 रो वैल्यू देखिए आमको Q1 माइनस Q2 रो वैल्यू बाहर जाए से दुटा को आडिशन हो कि सब्ट्राक्शन कलापर आम इंडिविजुआल चार्ज रैल्यू पाई और सहीटा ही क्वेश्चन से मागिजे व्हाट आर द टू चार्जेस एवं आम कौन करवा देख Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर बाहर कर कौन हम Q1 प्लस Q2 रो होल स्क्वायर माइनस 4×ab ab मीन्स आम Q1 इंटू Q2 है Q1 प्लस Q2 रो होल स्क्वायर के 20 microcoulomb रो स्क्वायर माइनस 4×के 0.075×10⁻⁹ है 20 यार स्क्वायर काढ़ के 400 microcoulomb अच्छी ताले केते हो 10⁻⁴ 400 10⁻⁻¹⁰
अरे 20 माइक्रो कूलम माने कौन लिखिबा आमे 20 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 तार स्क्वायर काढ़ तार स्क्वायर काढ़ केते हिजो 20 रो स्क्वायर काढ़ 400 10 टू द पावर माइनस 6 रो स्क्वायर करले 10 टू द पावर माइनस 12 हे गला आंसर देखो माइनस 0.075 इनटू 4 ला 0. मीन 75 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 4 केते हबो बाहर करो थ्री बाय टेन मीन्स 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 एटू कॉमन नहीं आस एटी केते जो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 आपको सॉल्व करिवो 40 इंटू 2 कॉमन नहीं आस 10 टू द पावर माइनस 10 कॉमन आणले एटी केते जो 4 माइनस हला एटू कॉमन आण 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 केते जीव 10 रो पावर 1 ताले 30 हला आकु सॉल्व करिवो माइनस 26 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 हला एठे जहा वैल्यू बाहरिवो ताको माइक्रो कूलम रे कन्वर्ट करिकि आमे एठे कोन लिखिबा q1 माइनस q2 दैट इज माइक्रो कूलम तापरे कोन करिवा देखो सिंपल ऐड करिवो q1 प्लस क्यू टू 20 माइक्रो कूलम अच्छी क्यू वन माइनस क्यू टू जहाँ 10 रो पावर जहाँ भी आसो 10 रो पावर माइनस 6 रे कन्वर्ट करा से अनुसार आम मैग्निच्यूड वैल्यू चेंज हे बुझे ना तो यू कौन हम क्यू वन प्लस क्यू टू वैल्यू के 20 माइक्रो कूलम क्यू वन माइनस क्यू टू वैल्यू बाहर से माइक्रो कूलम आसो है देख आम जब आड करवा दुटा को अन् आडिशन कौन हो क्यू प्लस क्यू टू माइनस क्यू टू कैनसल डाउट होने रहा किए 2q1 इटी वैल्यू आसो समथिंग माइक्रो कूलम ताले q1 रो वैल्यू केते हिजबो डिवाइडेड बाय 2 एठो हमें q1 रो वैल्यू पाई जीवा नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ q1 इन एनी इक्वेशन हला जे कोनो सिदिटा इक्वेशन रे q1 रो वैल्यू तुम्हें पुट करबो पुट कला पर कोन हिजबो q2 रो वैल्यू हमर इटी बाहर आसीबो हला ताले हमें पाई गलो नै व्हाट आर द टू चार्जेस जो क्वेश्चन मागिथिला q1 आ q2 रो वैल्यू हमें इटी पाई गलो हला एभले हमें नेक्स्ट क्लास रे एमती डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आम सॉल्व करिया पाई ट्राई करिबा हला दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास।